अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान असद कियानी। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्पीड न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नियाज अकमल साहब, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से सेफ्टी किट्स साफियों में तकसीम की गई थी, उनके हवाले से आज ये इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कियानी साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत की तरफ से तो कोई इस तरह की सेफ्टी किट्स वगैरह साफियों को नहीं दी गई। हमारी एक साफ़ती तंजीम है, उन्होंने साफियों में जो सेफ्टी किट्स हैं वो तकसीम की हैं प्रेस क्लब रावलपिंडी में। ये जो साफी जर्नलिस्ट हैं, ये हर मुश्किल दौर में इन्होंने अपना रोल अदा किया है और बहुत अच्छी इनकी खिदमात हैं और मसाइल का सामना करते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है ना, इस दौर में इनके मसाइल में इजाफा हुआ है और इन्हें बेशुमार मसाइल का सामना है। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से यूनियन ने अपनी मदद आपके तहत कोरोना वायरस से बचाव की सेफ्टी किट्स साफियों में रावलपिंडी प्रेस क्लब में तकसीम की। इस मौका पर साबक वजीर इत्तलात मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम औरंगज़ेब भी तकरीब में मौजूद थीं। साबक तहसील नायब नाजम सजाद खान, मेंबर सूबाई असम्बली ज़ैबन नुसा, राजा हनीफ, मलिक इफ्तिखार और PFUJ के साबिक सदर अफजल भट्ट, साबिक सदर प्रेस क्लब शकील अंजम, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर आमिर सजाद सैयद, सेक्रेटरी आसिफ अली भट्टी और साबिक अहदेदार प्रेस क्लब ने शिरकत की। इसके अलावा सियासी शख्सियात और जर्नलिस्ट अहदेदारों ने अपने अपने ख्याल का इजहार किया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि साफ़ी डॉक्टर फ्रंट लाइन पर अपने फ़राइज़ निभा रहे हैं, जबकि हमारे मुल्क के इदारे भी अपनी ज़िम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए फ्रंट लाइन पर काम करने वालों की सेफ्टी मुमकिन बनाए और अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल ना हो। इसी के साथ दोबारा किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।